नमस्कार। वास्तु के प्रमाणभूत ग्रंथ विश्वकर्मा प्रकाश में दवाइयाँ या मेडिसिन्स कहाँ पर रखनी चाहिए उसके लिए एक सूत्र दिया गया है, उत्तर ईशानयोर मध्ये औषधार्थम तुकारयेत। अर्थात नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट ईशान के बीच औषधि रखनी चाहिए। अब उसको डिटरमाइन करने के लिए सबसे पहले आपको करना ये पड़ेगा कि आप आपके वास्तु या आपके घर में सेंटर में जाइए और वहाँ जाके नॉर्थ को डिटरमाइन कीजिए कंपास के आधार पर। डायरेक्शन को प्रिसाइसली कैसे डिटरमाइन करना चाहिए उसके लिए मेरा एक अन्य वीडियो है, हाउ टू डिटरमाइन डायरेक्शन इन वास्तु। मेरी सलाह है कि आप उसको ज़रूर से देखें। अब जैसे ही आप सेंटर में जाओगे और वहाँ पर जाके नॉर्थ को डिटरमाइन करोगे तो वहाँ पर ज़ीरो लिखा होगा और नॉर्थ ईस्ट में 45 डिग्री लिखा होगा। सो बिटवीन 0 to 45 डिग्री हमें मेडिसिंस रखनी चाहिए। लेकिन ये तो बहुत बड़ी जगह हो गई, प्रिसाइसली कहाँ पर मेडिसिंस रखनी चाहिए उसके लिए वास्तुशास्त्र में वास्तु पुरुष मंडल के सिद्धांत को अपनाया जाता है। उसमें करना ये होता है कि सबसे ज़्यादातर जो यूज होता है वास्तु पुरुष एवं वास्तु पुरुष मंडल वो है 9x9=81 पद वाला वास्तु मंडल। उसमें अगर आप ध्यान से देखो तो 9x9=81 स्क्वायर्स होंगे और वो 81 स्क्वायर्स के अंदर 45 डेटीज 45 देवता होते हैं। अब देवता की व्याख्या अगर हम ध्यान से देखें तो जो हमें ऊर्जा दे, जो हमें प्रकाश दे, उन्हीं को देवता कहा गया है, द्योतनाद देवः। अर्थात वास्तु में 45 ऐसे एनर्जी के जोन है जहाँ पर स्पेसिफिक काइंड ऑफ एनर्जी मिलने के चांसेस है। और उसी सिद्धांत को समझने के लिए आज हम बात करेंगे कि वास्तु मंडल के आधार पर कौन से देवता के ऊपर मेडिसिन्स रखनी चाहिए। और उसके लिए वशिष्ठ संहिता में एक सूत्र दिया गया है और वो सूत्र ये है, कौबेर ईशानयोर मध्ये चिकित्सा मंदिरम सदा। नॉर्थ में जहाँ पर कुबेर लिखा है और नॉर्थ ईस्ट में जहाँ पर ईश लिखा हुआ है, उन दोनों के बीच जो तीन देवता है दिति अदिति और शैल, वहाँ पर हमें मेडिसिन्स रखनी चाहिए। अब स्पेसिफिकली कितने मीटर या कितने फीट के बाद ये जोन आएगा वो समझने के लिए हमें अन्य एक वास्तु के सिद्धांत को समझना पड़ेगा और वो है क्षेत्र निर्णय सिद्धांत। उसके लिए करना ये होता है, फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक का जो जोन है उसको उत्तर जोन कहा जाता है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर वास्तु मंडल के आधार पर। सो नॉर्थ वेस्ट में जहाँ पर रोग लिखा हुआ है और नॉर्थ ईस्ट में जहाँ पर ईश लिखा हुआ है, उन दोनों के बीच की जो जगह है उसको उत्तर जोन कहा जाता है। विश्वकर्मा प्रकाश का सूत्र देखें, रोगात ईशानात उत्तर क्षेत्र। सो मान लीजिए कि नॉर्थ वेस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक का जो डिस्टेंस है वह 90 फीट है और जैसा कि आप देख सकते हो कि वहाँ पर 9 जोन है। सो 90/9=10 फीट। सो प्रत्येक देवताओं का जोन जो हो गया, जो डिस्टेंस हो गया वह 10 फीट हो गया। उसका अर्थ ये हुआ कि नॉर्थ ईस्ट से 10 फीट छोड़ने के बाद जो दिति का जोन आ रहा है, उसके बाद 10 फीट छोड़ने के बाद जो अदिति का जोन आ रहा है और उसके 10 फीट छोड़ने के बाद जो शैल का जोन आ रहा है, वहाँ पर ये तीन जगहों पर हमें मेडिसिन्स रखनी चाहिए। अब जैसे ही मेडिसिन्स या औषधि की बात आती है तो आयुर्वेद के प्रणेता महर्षि चरक ने ये कहा है कि औषधि दो तरह से काम करती है। एक, जो ऑलरेडी हेल्दी है उनको वो ज़्यादा ऊर्जा देती है और जो रोगग्रस्त है उनको रोग निवारण देती है। महर्षि चरक का सूत्र देखें, विद्या द्वैषज नामानि भैषजम द्विविधम ही तत स्वस्थस्य ऊर्जस्करम किंचित किंचित आर्तस्य रोगनुत। सो अगर आप किसी रोग से ग्रस्त हो और डॉक्टर की सलाह के अनुसार प्रिस्क्राइब मेडिसिन ले रहे हो तो आपको वह प्रिस्क्राइब मेडिसिन जो है वह दीति नाम का जो जोन है ईशान के बाद
जो नीति नाम का जोन आ रहा है वहाँ पर आपको प्रिस्क्राइब मेडिसिन रखनी चाहिए। अगर आपको कोई रोग है और रोग भी ऐसा है कि जो इनक्योरेबल है, तो वहाँ पर नीति के जोन में दवाइयाँ रखने से दवाइयाँ आपको इफ़ेक्ट करना स्टार्ट हो जाएगी। जैसा कि मैंने बताया, वास्तु मंडल के प्रत्येक देवताओं की किस तरह की एनर्जी है उसके लिए वास्तुशास्त्र में विशद से चर्चा की गई है। अगर हम नीति के बारे में बात करें तो सम्रांगण सूत्रधार में ये कहा गया है कि नीति जो जोन है उसकी जो ऊर्जा है वह ऊर्जा रोग निवारण करने वाले भगवान शंकर जैसी है। सम्रांगण सूत्रधार का सूत्र देखें, नीति ही अत्र उच्यते शर्वः शूलभृद् वृषभध्वजः। औषधि का जो दूसरा गुण है वह गुण है न्यूट्रिशन देना, जो हेल्दी है उनको, जो स्वस्थ है उनको ऊर्जा देना। तो मान लीजिए अगर आप फिटनेस फ्रीक हो और आप प्रोटीन का इंटेक ले रहे हो, या फिर आप मल्टी विटामिंस ले रहे हो, या फिर आप न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स ले रहे हो, तो वह रखने का जो स्थान है वह दीति के बाद जो अदिति का जोन है, अदिति का जो जोन है वह हमें न्यूट्रिशन देने का, या फिर जो ऑलरेडी हेल्दी है उनकी हेल्थ में इंक्रीमेंटल ग्रोथ देने का काम अदिति का जोन करती है। सम्रांगण सूत्रधार का सूत्र देखें, श्रीह इह अदिति संगनिका। अब सिर्फ दो ही कारणों से हम औषध नहीं रखते, कभी कभार इमरजेंसी के लिए हम रूटीन औषध भी रखते हैं। सो ऐसी रूटीन मेडिसिंस या इमरजेंसी मेडिसिंस रखने का जो स्थान है वह स्थान है शैल, भुजंग या चरक, जो कुबेर के बाजू में है। सम्रांगण सूत्रधार में इसके लिए जो सूत्र दिया गया है वह देखें, चरको व्यवसाय आख्यः। सो पूरी चर्चा का सार ये है कि आपको आपके वास्तु के सेंटर में जाना है, नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट के बीच कितना डिस्टेंस है वह डिसाइड करना है, वो मेज़र करने के बाद उस डिस्टेंस को डिवाइडेड बाय 9 करना है, और वो डिवाइडेड बाय 9 करने के बाद ईशान से पहला जोन छोड़ के दीति के जोन में प्रिस्क्राइब मेडिसिन रखनी है, अदिति के जोन में मल्टी विटामिन्स या सप्लीमेंट्स रखने हैं, और शैल के जोन में आपको रूटीन मेडिसिन रखनी है। अब मान लीजिए कि ये अगर पॉसिबल नहीं है तो आपको सेंटर में से ही आपके वास्तु के नॉर्थ डायरेक्शन में जो रूम आ रहा है वहाँ पर आप दवाइयाँ रख सकते हो, या फिर नॉर्थ ईस्ट में जो रूम आ रहा है वहाँ पर रख सकते हो दवाइयाँ, या फिर नॉर्थ ईस्ट में जो रूम आ रहा है वहाँ पर आप मेडिसिन रख सकते हो। इसमें भी उस रूम के अंदर जाके आपको यही फॉर्मूला जो हमने ऊपर बात की उसको फॉलो करना है। दैट मीन्स आपके रूम को सेंटर में जाना है, रूम के वहाँ पर नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट को मेज़र करना है, डिवाइडेड बाय 9 करना है, और दिति अदिति और शैल में रिस्पेक्टिव मेडिसिन रखनी है। सो ये तो बात हो गई मेडिसिन आपको कहाँ पर रखनी है उसकी। लेकिन ड्यूरिंग माई होम विजिट वास्तु की एक बात जो इनवेरिएबली 80-90% वास्तु में मैंने गलत देखी है, और वो ये है कि ज़्यादातर घरों में मेडिसिंस आइधर किचन में या फिर डाइनिंग एरिया में हमें दिखाई दे, हमें विजिबल हो, उस तरह से रखी जाती है, जो कि बिल्कुल गलत है। मोटिवेशनल स्पीकर और फेमस ऑथर टोनी रॉबिन्स ने एक सूत्र दिया है, एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोस। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मानने वाले सभी विद्वानों का यही मानना है कि जहाँ पर आपका अटेंशन जाता है, जो चीज़ आप बार बार देखते हो उसकी वृद्धि होती है। सूत्र देखें, वेयर योर अटेंशन गोज इट ग्रोज। सो मेरी सलाह है, वास्तुशास्त्र की भी सलाह यही है कि अगर आपको आपकी हेल्थ में सुधार लाना है, मेडिसिन्स कम करनी है, तो मेडिसिन्स को आपको ढक के रखना चाहिए, विजिबल हो उस तरह से मेडिसिन्स नहीं रखनी चाहिए। सो अभी तक हमने बात की मेडिसिन्स कहाँ पर रखनी चाहिए और उसको ढक के रखनी चाहिए उसके बारे में, और उसके लिए मैंने तीन जोन आपको दिए, नॉर्थ,
नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट, अन्य डिरेक्शनों में हम क्या रख सकते हैं और क्या नहीं रख सकते उसके बारे में भी संक्षिप्त में बात करेंगे। सो ईस्ट के बाद का जो जोन आता है वह है साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट में जो हमें ऊर्जा दे, दैट मीन्स मल्टी विटामिन्स या सप्लीमेंट्स को ही हम रख सकते हैं। अगर हम रूटीन मेडिसिन को वहाँ पर रखेंगे तो वह ज़्यादा उपयोग में आएगी, एक्सीडेंट्स ज़्यादा होंगे, आपको ज़्यादा रूटीन मेडिसिन का उपयोग करना पड़ेगा। और अगर प्रिस्क्राइब मेडिसिन आपने वहाँ पर रखी तो वो मेडिसिन आपको लाभ ही नहीं देगी, उल्टा नुकसान करेगी। साउथ में हम रूटीन मेडिसिन को नहीं रख सकते, मल्टी विटामिन को वहाँ पर रखने से लाभ होगा, लेकिन प्रिस्क्राइब मेडिसिन को वहाँ पर रखने से आपको नुकसान की जगह पर हानि ज़्यादा होगी। साउथ वेस्ट में किसी भी तरह की मेडिसिन नहीं रखनी चाहिए। मैंने देखा है ऐसे घर या ऐसे वास्तु जहाँ पर से दवाइयाँ कभी ख़त्म ही नहीं होती, कोई एक अगर हेल्दी हो गया तो दूसरा कोई बीमार हो जाएगा, किसी न किसी की मेडिसिन चलती ही रहती है। सो आप ऑब्जर्व करना, उन घरों में साउथ वेस्ट में मेडिसिन रखी जाती है। सो साउथ वेस्ट में अगर आप मेडिसिन रखोगे तो मानो मेडिसिन ने आपके घर में परमानेंट स्थान रख लिया है, मेडिसिन जाएगी ही नहीं। उसके बाद का जो जोन है दैट इज़ कॉल्ड वेस्ट। वेस्ट में हम रूटीन मेडिसिन रख सकते हैं, लेकिन मल्टी विटामिन या सप्लीमेंट्स को वहाँ पर रखने से उसका जो लाभ होना चाहिए वो नहीं होता। एंड इन अ वेरी सेम वे प्रिस्क्राइब मेडिसिन भी वहाँ पर उतना लाभ नहीं देखती। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में किसी भी तरह की मेडिसिन नहीं रखनी चाहिए, सिर्फ रूटीन मेडिसिन को आप वहाँ पर रख सकते हो, लेकिन अगर आपने वहाँ पर प्रिस्क्राइब मेडिसिन रखी तो उसका उपयोग ज़्यादा होगा और मेडिसिन का बिल ज़्यादा आएगा। वास्तु के सेंटर में किसी भी तरह की मेडिसिन नहीं रखनी चाहिए, अन्यथा वह मेडिसिन व्यक्ति के मृत्यु का कारण बनती है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। फ्रेंड्स याद रहे, जहाँ पर जब हम बात करते हैं यहाँ पर मेडिसिन की, तो हम सब तरह की मेडिसिन की बात करते हैं। ये हो सकता है कि आप एलोपैथी में बिलीव कर रहे हो तो आप एलोपैथी की मेडिसिन यूज़ करोगे, या फिर आप होम्योपैथी को फॉलो करोगे, या फिर आप आयुर्वेद को फॉलो करोगे, या फिर आप योग को फॉलो करोगे, लेकिन ऐसी कोई भी चीज़ जो हमें रोग मुक्ति कराए वह औषधि ही है, ऐसा अत्रि संहिता में कहा गया है। उसका सूत्र देखें, वैद्यो व्याधिम हरद्येन तद द्रव्यम प्रोक्तम औषधम। अर्थात ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको रोग मुक्ति कराने में सहायक हो उसको औषधि कहा जाता है। वास्तुशास्त्र के इन सिद्धांतों को उपयोग करके अगर आप दवाइयाँ रखोगे तो शास्त्रों की घोषणा है कि वह दवाइयाँ, अगर आप हेल्दी हो तो आपको ज़्यादा ऊर्जा देगी, और अगर आप किसी रोग से ग्रस्त हो तो आपको रोग मुक्ति देगी। वास्तुशास्त्र के ये सिद्धांत आपको रोग मुक्ति और आपकी ऊर्जा में वृद्धि करे, ऐसी प्रार्थना के साथ मेरी वाणी को विराम दूंगा। शुभम भवतु, प्रणाम।